ये देखो जैसे ये हो रहा है सारा, तो पेस्टिंग का इशू तो नहीं है ना? मिट्टी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है। अब अगर यही मिट्टी मैं नॉर्मल रखता ना और ये PPF ना होता तो ये सॉइल मार्क्स मारती। तो जैसे मैं बोलता हूँ, एक लाइक एक कमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है हमारे को, क्योंकि आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। तो भैया ये खड़ी अपनी गाड़ी। तो भैया आपको पता ही है मैं PPF करा कर आया हूँ गाड़ी पे, बट ना कुछ जगह से निकल रहा है। जैसे अगर आप ये कॉर्नर्स देखोगे, पीछे की साइड भी हो रहा है कॉर्नर्स पे। वैसे थोड़ा सा ये होना था, मुझे उसने बता रखा था कि ये होगा, या आके आपको दोबारा से कराना पड़ता है एक बार, क्योंकि अभी सेटल होता है ये। कहाँ ऊपर? अच्छा ये यहाँ भी थोड़े बबल्स टाइप बन रहे हैं, ये सारा ठीक होना है? नहीं, ये शुरू में आएगा, उसके बाद ये ठीक कराना पड़ेगा ना। वो ये देखो। अच्छा हाँ, ये सारे छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं ना। हाँ, ये यहाँ से पील ऑफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये मुझे डिटेलिंग बुल जिनका यहाँ पे लगा भी हुआ है, उन्होंने मुझे शुरू में बता दिया था कि ये थोड़े थोड़े निकलेंगे, तो जब आओगे ना, मतलब गाड़ी ले जा के धूप में खड़ी करनी, तो आज मैं इसे खड़ी करने वाला हूँ पूरे दिन के लिए धूप में। इसमें सेटल होऊंगा ये थोड़ा, और जहाँ जहाँ नहीं सेटल होता फिर उनके पास लेके जाना है और वो दोबारा से इसे फिक्स करेंगे। कहीं से भी PPF कराते हो, हर जगह PPF में यही सीन रहता है कि थोड़ी जगहों से पील ऑफ होता है। हाँ, ये सब मैंने वो ये भी लिया कि ये सब नहीं होना है, ये सब ठीक होएगा अभी। हाँ, ये पूरा निकल रहा है ना यहाँ से, कई जगह से कॉर्नर से निकलता है ये। नहीं नहीं, ये वही बता रहा हूँ भैया, ये होगा तो सही, ये ठीक कराना पड़ता है। ये कहीं से ही PPF कराओ ना, ये चीज़ होती ही होती है, थोड़ी जगह से कॉर्नर से होती ही होती है, वो दोबारा से सेट करते हैं उसको। बाकी भाई इसमें ना रिवर्स कैमरा जल्दी चाहिए मुझे, वो मैंने मंगाया हुआ है, आ जाएगा तो वो भी लगवाना है। अभी सेंसर्स तो हैं इसमें, बट यार रिवर्स कैमरा ना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में, क्योंकि आदत भी पड़ गई है ना क्रूज़ के साथ चला चला के रिवर्स कैमरा की। तो भाई अभी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने इसकी सीट कवर्स भी नहीं हटाए हैं। मैंने कहा हटा लूंगा थोड़ा, PPF वगैरह के लिए गाड़ी दे रखी थी तो भी नहीं हटाया, बट इन्हें जल्दी हटा दूंगा मैं, क्योंकि मैं भी ऐसे गाड़ी नहीं चला सकता एकदम सीट कवर्स के साथ। बाकी मैं आपको बता दूंगी क्या सीन है यार, आज का जो हमारा पूरा व्लॉग है ना, ये फोन पे ही शूट होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ऑफिस में कैमरा लेकर तो घूमूंगा नहीं ना यार, सबके मुंह पे वहां तो कैमरा डाल नहीं दूंगा। तो आज का फोन से ही रहने वाला है। आई नो थोड़ा सा ऑडियो का थोड़ा सा इधर उधर होता है, बट देन आई नो आप लोग मैनेज कर लोगे यार। बाकी जो सीन है आपको पूरा दिखाते रहेंगे आज के दिन का, और रात का भी हमारा एक बढ़िया सा प्लान है। हम दोबारा से जाने वाले हैं लेपर्ड ट्रेल, जहाँ पे हम उस दिन गए थे ना, वहीं पे जाने वाले हैं। कुछ सेलिब्रेशन है, मतलब बताऊंगा आपको रात को कैसा सीन है। तो चलो निकलते हैं भाई, मैं ऑफिस के लिए एनीवे लेट हूँ, मेरी शिफ्ट जल्दी की थी, और जितने बजे की शिफ्ट थी उतने बजे मैं घर से निकला हूँ। वैसे मुझे ऐसा ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, चलते हैं लेकिन फटाफट। अब यार स्कूलों का टाइम जो होता है ना, मतलब बाहर बाहर तक अपनी ऐसे गाड़ियां लगाते हैं जैसे कि कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ट्रैफिक रुके तो रुकने दो, क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलो यार एक बार को मान लूँगे एक लाइन की वहां पे आपने पार्किंग बना ली, लेकिन आप क्या तीन तीन वहां पे बना दोगे क्या? मतलब इस तरफ भी उस तरफ भी, मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं। और ये हर रोज़ का है। जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बट बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी का इसका AC भाई, इतना तगड़ा AC है कि मैं एक पे चलाता हूँ, गर्मी हो रही होती है बाहर, मगर फिर भी जो गाड़ी इतनी तेज कूल करती है ना इसको, आपको AC धीरे करना पड़ जाता है भाई इतनी गर्मी में। सोचो भाई, मान गया यार गर्मी, मतलब गर्मी को क्या मान गया, गर्मी को तो मान ही गया, बट इसके AC को मान गया यार। तो भाई ये गाड़ी पहली बार अपनी ऑफिस आई है, और आप देखोगे ना हमारी पार्किंग में एकदम धूप रहती है, और जो PPF जब हुआ था तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला था कि इसको एक दिन पूरा धूप में खड़े रखना है, सेटल हो जाता है PPF। तो मैंने कहा आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता यार धूप में खड़ी रहेगी, क्योंकि अपने वहाँ तो छाया रहती है ना, अंडरग्राउंड पार्किंग है अपनी, बट यहाँ एकदम बढ़िया खड़ी रहेगी। चलो यार ऑफिस निपटाते हैं और फिर निकलते हैं। ये देख रहे हो 43 डिग्रीज पर है, और अब मैंने इसका AC ऑन करा, थोड़ी देर में देखना कितना सही इसका टेम्परेचर अपने आप बढ़िया आ जाएगा। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ ना, देखो जैप पर आ गया है इसको, मुझे यहाँ पे हर बार बैठने के टाइम पे ना जिप मोड पे करना पड़ता है। सिटी ड्राइव है भाई, जिप मोड बहुत सही रहता है, मैंने पहले भी चीज़ बोली है, बट अब निकलते हैं यार फटाफट, और बताता हूँ आपको अभी आगे का क्या सीन है। बट अभी जेन्युइनली गाड़ी गर्म थी, बट ये AC इतना इफेक्टिव है एकदम से अच्छा लगने लग गया है। सो भाई अभी आप देखो इसमें जो एवरेज है 11.3 की दिखा रहा है, मतलब मुझे अभी मैंने कितनी चल गई 307 किलोमीटर। अब आप सोचो जब ये गाड़ी आई थी उस टाइम पे ये 90 किलोमीटर ऑलरेडी चली हुई थी, और उस टाइम इसकी एवरेज कुछ 9 के अराउंड थी, क्योंकि ऑब्वियसली भैया ने यार अब वो तो जिप मोड पे चलाएंगे नहीं ना, उन्होंने तो प्रॉपर अपना जैप या जूम पे चला रखी होगी।
तो उस टाइम एवरेज काफी कम थी, और आने के बाद मैं भी इसको जैप पे चला रहा था, मुझे भी पता था कि यार सिटी में मैं इसको सिर्फ जिप पे चला सकता हूँ, और तब मेरी एवरेज कुछ 9.9 चल रही थी, बट मैंने आज सुबह से इसको वापस से जिप पे डाल रखा है प्रॉपर, और इसकी एवरेज देखो यार, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है थोड़ी देर चलने के बाद ही, तो आई एम श्योर ज़्यादा देर चलेगी ऐसे तो काफ़ी अच्छी एवरेज खींच देगी ये। यार ये देखो इसकी लाइट्स का जो थ्रो है ना, ये अभी लो बीम है और इसे भी ठीक आता है यार, बट अगर इसका हाई बीम करो तो काफ़ी अच्छा है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एलईडी से यार एक अलग ही लेवल हो जाता है ना, वो वाला सीन है। अबे यार ये किसने गाड़ी खड़ी करी ये इधर, ये देखना यार गाड़ी ना जगह ब्लॉक करके बैठ जाते हैं लोग यार, बताओ। तो भाई यहाँ पे देखो अभी जैसे लो बीम है और ये रही हाई बीम, तो गुड इनफ, प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मैंने बोला एलईडी के साथ एक एनहांस हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और 140 150 वॉट टाइप का मैं करके लगवा लूँगा तो और बढ़िया हो जाएगा, और एलईडी जैसी चमक तो यार फिर हैलोजन में कहाँ है। तो भाई कल का मैंने को जैसे बोला था कि प्लान कैंसिल हो गया था रात का, और कल का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब नेक्स्ट डे हो चुका है, ऑब्वियसली आप देख सकते हो भैया धूप धूप निकल रखी है, और अभी जो है ना हम डिटेलिंग बुल के लिए निकल गए हैं। तो भाई अभी ऑलमोस्ट 1:45 हो चुके हैं और आज मेरा ऑफिस लेट है क्योंकि IPL चल रहा है और प्लेऑफ्स हैं, तो मेरी लेट की शिफ्ट है, मुझे 4 बजे तक जाना, तो मैंने कहा एक बार डिटेलिंग बुल पे जाके ना दिखा आता हूँ, मेरे घर 10 मिनट ही लगते हैं। मैंने कल पुनीत भैया से बात कर ली थी इसके बारे में कि भाई इसमें वही PPF की जो थोड़ी थोड़ी इधर उधर दिक्कत आ रही है ना मेरे को, तो उन्होंने कहा एक बार ले आना मैं चेक कर लूंगा। वैसे उन्होंने वही बोला गया 10 दिन टाइप ना बाद ही मेरी एक चेक होनी थी गाड़ी, उसके पहले जो है अपने आप सेटल होता है, बट एक दो जगह से ना जैसे OEM के बाहर मैंने आपको दिखाया था जो वो उतर रहा है वहां से ज्यादा, तो मैंने कहा एक बार चेक करा ले, तो उन्होंने कहा चलो ले आओ एक नॉर्मल टेस्टिंग कर ही लेते हैं। मेरी अपनी गाड़ी भैया इसमें ना OEM में तो ज्यादा आ रही है दिक्कत, आपको दिखाता हूँ ये वाला फिर भी ठीक है, मेरे जैसे कॉर्नर से आ रहा है ना जैसे बबल्स हो रहे हैं अभी ये हो रहे हैं, और मतलब पूरी गाड़ी पे चलो बबल्स तो मुझे भैया कह रहे थे कि वो शायद हट जाएंगे, मगर ना जो ऐसे कॉर्नर से उखड़ रही है ये कई जगह से, जैसे यहाँ से देखो ये देखो जैसे ये हो रहा है सारा, ये है ना OEM का ये सब, तो ये पेस्टिंग का इशू तो नहीं है ना? नहीं इधर ना पट्टी लगती है वो लगाई नहीं, तो अभी करवा दोगे ये फिर? हाँ। तो हैंड टू हैंड हो जाएगा ना, ठीक है बढ़िया। बाकी जैसे भी बबल्स वगैरह जैसे आ रहे हैं ये सब अपने हो जाएंगे, धूप में खड़ी कर रहा हूँ मैं आजकल वैसे। अच्छा 10 से 15 दिन लग जाते हैं ना, तो भाई गाड़ी में एक बार ना अंदर ही ले आया हूँ, और भैया कह रहे हैं कि ये हैंड टू हैंड जो है सही हो जाएगा अभी जो है, और बाकी जो हमारा बबल्स बन रहे हैं वो वही 10 से 12 दिन लगते हैं, अपने आप सेटल हो जाएंगे, वरना 10 से 12 दिन में मुझे एक बार और आना है गाड़ी दिखवाने। तो भाई देखो ऐसे होता है, अब जैसे मैंने 2 मिनट बाहर गाड़ी खड़ी रखी है, हवा चल रही थी, मिट्टी देख रहे हो कितनी ज़्यादा है, अब अगर यही मिट्टी मैं नॉर्मल रखता ना और ये PPF ना होता तो ये सॉइल मार्क्स मारती, मगर अब क्योंकि इसे PPF है तो इसके मार्क्स नहीं पड़ेंगे जब आप इसे साफ़ भी करोगे, ये देखो तो ये चलने से ही स्क्रैच मार देती है। तो भाई काम अपना हो गया है, देखो अभी जितनी भी जगह से थोड़ा थोड़ा निकल रहा था ना वो भैया ने कर दिया एकदम सही, जैसे ये कॉर्नर्स निकल रहे थे ये सब फिक्स्ड है, अभी यहाँ से भी निकल रहा था, तो जहाँ से चिपिंग हो रही थी ना थोड़ी थोड़ी वो तो भैया ने अभी कर दी, जो थोड़े थोड़े बबल्स रह गए हैं ना वो अपने आप सेटल होते हैं कुछ 10-12 दिनों में, तो उसके बाद हमारे को आना पड़ेगा, बट अभी जितने हो सकते हैं उन्होंने काफ़ी सारे निकाल दिए, और PPF के बाद बहुत अच्छी लगती है गाड़ी यार, मतलब अगर ऐसे में डस्ट में भी खड़ी करी हुई है तो उन्हें टेंशन नहीं रहती, ऊपर से काली गाड़ी, अगर ये अभी यहाँ खड़ी होती और जितनी इसके ऊपर अभी डस्ट आ गई है ना, आपको दिखाता हूँ ये देखो सारी, ये पूरे सॉयल मार्क्स मारती है, और कुछ टाइम के बाद ना वो पेंट पे दिखने लग जाते हैं, और आपका पेंट इतना ख़राब लगने लग जाता है फेडेड सा, बट अभी आपका पेंट लाइफ टाइम प्रोटेक्टेड है इससे। भाई बहुत गर्मी है बाहर, बट थैंक गॉड मैं बार बार ये चीज़ बोलता ही रहूँगा कि भाई उसका AC अच्छा है तो उससे अच्छा लगता रहता है उस गाड़ी में, प्लस लेदर सीट्स नहीं है उसमें, अगर मैंने उसको जो उसकी नॉर्मल सीट्स हैं उस पर अगर लेदर रेट चढ़वा दिया होता ना भाई, मतलब इस मौसम में मौत होती है। बट अब अच्छा लग रहा है, घर पे आ गए हैं, सारा काम वाम करा लिया है, और एक बार गाड़ी दिखवा है दो, मैं थोड़े टाइम बाद जाके भी उसको करा सकता था, बट देन क्या होता है ना नई गाड़ी है और उस पर अगर एकदम से थोड़ा बहुत भी ऐसा हो रहा होता है PPF का सीन, तो आपको लगता है कि अगर एक बार दिखवाई आओ क्या जाता है, क्योंकि क्या होता है ना बबल्स ठीक है बट जहाँ से चिपिंग हो रही होती है ना अगर उसके अंदर सॉइल फंस जाती और वो फिर उसके ग्लू पे चिपक जाती है और वो फिर बहुत गंदा दिखाई देता, प्लस वो एनी वो उसको स्क्रैच मार्क्स मार ही देती, तो मुझे था कि जहाँ से चिपिंग हो रही थी वो मैं एटलीस्ट ठीक करा दूँ अभी के लिए, जो
बबल्स हैं वो बाद में होते रहेंगे। तो वही है बाकी यार, देखो मैं आपको ये वाली सारी ऐसी वीडियोज़ ना आगे और लेके आता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अभी कमेंट करके बोलते हैं कि आप अच्छे से रिव्यू देना जो जो आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं इस गाड़ी के साथ। तो वही रहेगा यार, आगे वाले व्लॉग में भी ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। आई नो ये वाला व्लॉग में इसके अलावा और कुछ था नहीं, बट देन हमारे जिस तरह से हाउस व्लॉग्स होते हैं वो भी अगले व्लॉग से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छा सा प्लान है हमारा, एक दिन का प्लान है, बट देन आपको मजा आएगा। तो देखते रहना माइल चेजर्स को, जैसे मैं बोलता हूँ एक लाइक एक कमेंट बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है हमारे को, क्योंकि आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। ये बहुत सोच के हमने अपनी टैगलाइन बनाई थी, क्योंकि हम इसको मीन करते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगता हो हमारे को देखना, और बने रहना माइल चेजर्स के साथ। मिलते हैं दोबारा से बढ़िया से व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अ पार्ट ऑफ योर डे। सी यू, टाटा बाय बाय।